तृतीय पाठ तीसरा पाठ सर्वनाम शब्द भाग एक। सर्वनाम शब्द का भाग एक। सबसे पहले आप समझिए कि सर्वनाम किसे कहते हैं। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, जैसे वह, बे, सब, यह, ये, कौन, कहा, कौन, इस टाइप से आपके सर्वनाम आ जाएंगे। जो सिर्फ संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं वो सभी क्या कहलाते हैं, सर्वनाम। अब इसमें सर्वनाम में सबसे पहले पुल्लिंगम, पुल्लिंग का प्रयोग किया गया। लिंग तीन होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग, इस प्रकार से तीन लिंग होते हैं। तो उसी में से हम पुल्लिंगम का भी प्रयोग कर रहे हैं यहाँ पर। प्रथमा पुरुष भी तीन प्रकार के होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। तो इसमें हम सबसे पहले प्रथम पुरुष का भाग ले रहे हैं। तो सहा, ताऊ, ते। सहा मतलब वह है, ताऊ मतलब वे दो, और ते मतलब वे सब। ए सहा यह, ए ताऊ ये दो, ए ते ये सब। कहा अर्थात कौन के लिए आया, तो कहा मतलब एक के लिए, कौ मतलब कौन दो, और के मतलब कौन वे सब। आप यहाँ पर इसी से वाक्य बने हैं। सा बालका, सा मतलब वह है, बालका मतलब बालक है। सहा लिखती, वह लिखता है। सहा बालका लिखती, वह बालक लिखता है। तऊ बालकौ, तऊ मतलब वे दो, बालकौ अर्थात बालक, तो दो बालक। तऊ लिखता, वे दोनों लिखते हैं। तऊ बालकौ लिखता, वे दो बालक लिखते हैं। ते बालका तो वे बालक। ते लिखंती, वे लिखते हैं। ते बालका लिखंती, वे बालक लिखते हैं। ईसा चस्का, ईसा मतलब यह, चस्का अर्थात गिलास, तो यह गिलास। ईसा चस्का अस्ति, यह गिलास है। एतौ चस्कौ, ये दो गिलास हैं। एतौ चस्कौ स्तः, ये दोनों कांच के गिलास हैं, गिलास हैं। एते चस्का, एते मतलब यह है, गिलास है। एते चस्का सकती है, गिलास है। सा नरा, सह मतलब वह, नरा अर्थात नर है। सा चलती, वह चलता है। सह नरा चलती, वह नर चलता है। सहा सैनिक, रक्षती, वह सैनिक रक्षा करता है। ईशा मयूरा नृत्यंती, यह मोर नाचता है। ऐसा शिक्षक अस्ति, यह शिक्षक है। ऐसा मूसका अस्ति मतलब यह, मूसका मतलब होता चूहा, अस्ति मतलब है, तो यह चूहा है। कहा बाल, कहा कौन सा बालक या कौन बालक। तऊ नरऊ, अब यहाँ पे हमने सत प्रथम पुरुष एक वचन का प्रयोग किया है, अब यहीं पे प्रथम पुरुष द्विवचन का प्रयोग। तऊ नरऊ, वे दो नर। तऊ चलता, वे दोनों चलते हैं। तऊ नरऊ चलता, वे दो नर चलते हैं। तऊ सैनिक रक्षिता, तऊ मतलब वे दो सैनिक रक्षा करते हैं। ए तो मयूर नित्यंत, तो ये दो मोर नाचते हैं। ए तऊ शिक्षिकाऊ स्था, ये दो शिक्षक हैं। ए तऊ मूसकाऊ स्था, ये दो चूहे हैं। कौ बालकाऊ, कौन दो बालक हैं। ते नरहा, वे नर है, मतलब बहुत सारे के लिए आए इसलिए वे नर हैं। ते चलते, वे चलते हैं। ते नरा चलंती, वे नर चलते हैं। ते सैनिका रक्षंती, वे सैनिक रक्षा करते हैं। एते मयूरा नृत्यंती, ये मोर नाचते हैं। एते शिक्षिका संती, ये शिक्षक का हैं या ये शिक्षिकाएं हैं। एते मूसका संती, ये मूसक है। ते बालका, वे बालक, सॉरी के बालक मतलब कौन बालक है। अब यहीं पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्रश्नों के निर्माण से देखेंगे। यहीं पर प्रश्न है, सह कहा, सह मतलब वह, कहा मतलब कौन है। तो सह वानर, वह वानर है। तऊ कौ, वे दो क्या हैं। तो तऊ गोल दीपऊ, वो क्या हैं, गोल दीप मतलब बल्ब है। ते के, तो ते खगा मतलब वे पक्षी हैं। अब आते हैं अभ्यास प्रश्न पर। प्रश्न नंबर एक, उचितम मेल्यत मतलब उचित मिलान करो या जोड़ी बनाओ, अपने शब्दों में हम कहेंगे तो जोड़ी मिलाना।
आ बा। सबसे पहले हम शब्द उच्चारण कर लेते हैं, आ में क्या दिया हुआ है और बा में क्या दिया हुआ है। सहा मयूरहा नरहा सैनिकौ गजः ते एतौ एते। अब्बा में खादन्ति रक्षतः पिबन्ति पठति हसतः नृत्यति सन्ति गच्छति। तो अब हम जोड़ी मिलाएंगे सह, तो सा के साथ आपका आ जाएगा पठिता हुआ है, पढ़ता है। मयूरहा तो मोर क्या करती, नाचती है, इसलिए आ जाएगा नृत्यति। नरहा नरा के लिए आपका आ जाएगा गच्छति, मानुष जाता है या मनुष्य जाता है। सैनिकौ सैनिकौ के लिए हमारा आ जाएगा रक्षता, सैनिक क्या करते रक्षा करते हैं। गजहा अब गजा क्या करते हैं, तो खादंती खाते हैं। ते ते के साथ आपका आ जाएगा पिबंती मतलब पीते हैं। एतौ मतलब ये दो हैं, इसलिए आ जाएगा हंसता मतलब हंसते हैं। एते है तो एते के साथ आपका आ जाएगा संति ये है। अगला प्रश्न है पठित्वा वाक्यानि रचयत, पढ़ करके वाक्य लिखो या वाक्यों की रचना करो बनाओ, रचयत अर्थात बनाओ। यथा जैसे सा नरा गच्छति वह मनुष्य जाता है या वह मानव जाता है। मूल शब्द तद एतद किम नर अस गम, एक वचन द्विवचन बहुवचन। तो हमें क्या है पहले एक वचन वाले बनाने पड़ेंगे, फिर द्विवचन के, फिर बहुवचन के। तो हम ऐसे ही चलते हैं, सह नरहा अस्ति मतलब वह मानव है। दूसरा है एषहा कहा अस्ति मतलब यह कौन है, ये दो भाग का आपके बन गया। तीसरा है द्विवचन का तऊ नरऊ गच्छता मतलब ये दो मानव जाते हैं, दो नर जाते हैं। फिर है अगला ए तऊ कऊ स्तः मतलब ये दोनों कौन है। बहुवचन में ते नरा गच्छन्ति मतलब भी मानव जाते हैं। अगला है इसी का एते के नरा सॉरी नरा नहीं एते के है संति मतलब ये कौन है। अब आते हैं स्त्रीलिंगम, अभी हमने पुल्लिंग की पढ़े थे, गच्छति गच्छता गच्छन्ति वाले सहतौते इस प्रकार से। अब हम आएंगे स्त्रीलिंग में, प्रथमा पुरुष सा ते ता ईशा एते एता का के का। अभी हम सिर्फ विसर्ग वाले पढ़े थे, देख जैसे सहा मयूरा नरा, तो ये हो गए आपके अकारांत पुल्लिंग। अब आ रहे हैं अकारांत स्त्रीलिंग, इसमें देखो बड़ा आ बड़ा बड़ा आपको दिखाई देगा, रूप भी बदल जाएंगे थोड़े से सा ते ता, और इसमें क्या आया था सहा तऊ ते। सा मतलब वह है, ते मतलब वे दो, और ता मतलब ये सब, ईशा मतलब यह है, एते मतलब ये दो, एता मतलब ये सब, कहा मतलब कौन, के मतलब कौन दो, और कहा मतलब कौन सब। सा बालिका वह बालिका, सा कीड़ती सा कीड़ती अथवा वह खेलती है। सा बालिका कीड़ती वह बालिका खेलती है। ये सा यहाँ पे जो शब्द आ रहे हैं क्या सर्वनाम आ रहे हैं। ते बालिका ते भी क्या सर्वनाम है, बालिका मतलब बे बालिका। ते कीड़ता वे खेलती हैं, ते बालिका कीड़ते बे बालिकाएं खेलती हैं। ऐसी ता बालिका ये सब क्या है बेबालिका, ता कीड़ती भी खेलती हैं, ता बालिका कीड़ती भी सब बालिकाएं खेलती हैं। अगला ऐसा पेटिका यह क्या है पेटी, ऐसा पेटिका यह पेटिका है। एते माले ये माला है, एते माला स्थाई माला है। एता महिला ये महिला, एता गायंती ये गाती हैं, एते महिला गायंती ये महिलाएं गाती हैं। सा घटी वह घड़ी, सा घटी अस्ति वह घड़ी है। ते द्रोण्यो जिसको हम बास्केट बोलते बाल्टी, ते द्रोण्यो स्तः मतलब ये दो बाल्टियां हैं। ता लेखन्या ये लेखनी अर्थात पेन या कलम। ते हम ता लेखन्य संति वे लेखिका या लेखनी है। आगे चलते हैं एक वचन द्विवचन बहुवचन पर। साहा एक वचन के पढ़ते हैं सबसे पहले, सा ईसा का, सा छात्रा सा माला, ऐसा महिला ऐसा पेटिका, का घटी का माला, सा लेखनी ईशा नदी। इनके अर्थ देखते सा मतलब वह है, ईशा मतलब यह है, का मतलब कौन,
सा छात्रा मतलब वह छात्रा, सा माला वह माला, ऐसा महिला यह महिला, ऐसा पेटिका यह पेटी, का घड़ी कौन सी घड़ी, का माला क्या माला, सा लेखनी वह लेखनी, ऐसा नदी यह नदी। आदिवचन में ते बे एते ये के मतलब कौन, ते छात्रे वे छात्र, ते माले वे मालाएं, एते महिले ये महिलाएं, एते पेटिका ये पेटिका, के घटाऊ कौन सी घड़ी, के माले कौन सी मालाएं, ते लेखन्यो बे लेखनी, एते नद्यो ये नदियां। ऐसी बहुवचनम ता वह एता यह कहा मतलब कहाती, ये बहुवचन में आ जाएगा। ता छात्रा वे छात्रा, ता माला वे माला, एता महिला यह महिला, एता पेटिका यह पेटिका, कहा घटिका कौन सी घड़ी, कहा माला कौन सी माला, ता लेखन कौन सी बे लेखनी, एता नदियां मतलब ये नदी नदियां। अब आते हैं प्रश्न निर्माण पर, ईशा का यह क्या है, तो ईशा लेखनी यह लेखनी है, एते के तो एते पुस्तके, एता का यह क्या है, तो एता घट्टी घट्टी है अर्थात यह घड़ियां। अभ्यास है, आप यहां पर अभ्यास प्रश्न है इसी के, एक उचितम मिल्यत मतलब उचित मिलान करो, आ सा एते कहा बालिका, ईशा के ता का, ऐसे ही बा में लिखती गच्छती हसती खादता उत्तिष्ठती पठंती खेलंती उपविशता। अब हमें क्या करना है, इसकी सही जोड़ी मिलाना है, तो सबसे पहले सा गच्छती वह जाती है, एते है खादता मतलब ये दो खाते हैं, कहा तो आ जाएगा खेलंती कौन खेलती है, बालिका तो आपका आ जाएगा यहाँ पर लिखंती बालिकाएं लिखती हैं, ईशा मतलब यह है उत्तिष्ठती, क्या जाएगा उत्तिष्ठती मतलब उठती हैं, के साथ आपका आ जाएगा उपविशता अर्थात बैठते, क्योंकि यहाँ पे द्विवचन का प्रयोग किया गया है, इसलिए ता बहुवचन का है, तो इसमें उत्तर भी जब हम देंगे तो बहुवचन में तो लिखंती, तो ता लिखंती बे लिखती है, कहा अब कहा की जगह अपना आ जाएगा यहाँ पर हस्ती, वो कौन हस्ता है या हस्ती है, स्त्रीलिंग का प्रयोग करेंगे तो हस्ती है। प्रश्न नंबर दो, पठित्वा वाक्यानि रचयत पढ़ करके वाक्य की रचना करो, यथा जैसे सह बालिका गच्छति वह बालिका जाती है, मूल शब्द एक वचनम द्विवचनम बहुवचनम, इस प्रकार से हमें क्या है मूल शब्द दिए हैं, सह का तद, ईशा का एतद, का किम, बालिका का बालिका, लेखनी का लेखनी, अस्ति का अस्त, गच्छति का गम। अब हम क्या करेंगे इनके वाक्य बनाएंगे, पहले एक वचन के बनाते हैं, सहा बालिका गच्छति मतलब वह बालिका जाती है, ऐसे दूसरा एषः का लेखनी अस्ति मतलब यह किसकी लेखनी है या कलम है, द्विवचन में ते बालिका स्तः गच्छतः मतलब वे बालिकाएं जाती है या वे दो बालक बालिका जाती है। ऐसी अगला प्रश्न, एते के लेखन्यो स्तः यह किसकी लेखनी है या है, ऐसी अगला तहा बालिका गच्छन्ति बे बालिकाएं जाती हैं, ऐसी अगला है एता का लेखन्य सन्ति यह किसकी लेखनी है। अब आते हम नपुंसक लिंग पर, नपुंसक लिंगम प्रथम पुरुष तत्तेतानि एतत्ते एतानि किम के कानी वे दोनों भी सब यह ये दो ये सब और क्या कौन दो कौन सब कौन दो कौन सब। अब तत् पुस्तकम वह पुस्तक, तत् अस्ति वह है, तत् पुस्तकम अस्ति वह पुस्तक है, ते पुस्तके वे पुस्तकें, ते स्तः वे दो हैं, ते पुस्तके स्तः वे पुस्तक वे सब पुस्तकें हैं, तानी पुस्तकानी वे पुस्तकानी, तानी संति वे हैं, तानी पुस्तकानी संति वे पुस्तक हैं, एतद् व्यजनम यह पंखा, व्यजनम भ्रमति पंखा घूमता है, एतद् व्यजनम भ्रमति यह पंखा घूमता है,
एते व्यजने हैं, ये पंखा व्यजने भ्रमता पंखा घूमता है, एते व्यजने भ्रमता ये पंखा घूमते हैं, एतानी व्यजनानी ये पंखे व्यजनानी भ्रमंती पंखे घूमते हैं, एतानी व्यजनानी भ्रमंती ये पंखे घूमते हैं। अगला है एकवचनम द्विवचनम बहुवचनम। तत्फलम तत्पुष्पम तत्पर्णम एतद् व्यंजनम एतद् वाहनम एतद् गृहम तत्किम एतद् किम। तो पहले ये बताया वह फल वह फूल वह पत्ता वह यह पंखा यह वाहन यह घर तत्किम वह क्या है एतत्किम यह क्या है। द्विवचन में ते फले वे फल ते पुष्पे वे फूल ते पढ़ने वे पत्ते एते व्यजने मतलब ये पंखे एते वाहने ये वाहन एते ग्रहे ये घर ते के बे का एते के यह क्या। ऐसे ही बहुवचनम तानी फलानी बेफल तानी पुष्पाणी बेफूल तानी पर्वणानी तो बेपत्ते एतानी व्यजनानी ये पंखे एतानी वाहनानी ये वाहन एतानी ग्रहणी ये घर तानी कानी बे कौन क्या है एतानी कानी ये सब क्या है। अब देखते हैं प्रश्न उत्तरम प्रश्न उत्तर के माध्यम से इसको समझेंगे। तत्किम तत् वायुयानम तत्किम गच्छति तत् वायुयानम गच्छति मतलब वह क्या है तो वह वायुयान है वह कहाँ जाता है तो तत् वायुयानम गच्छति मतलब वह वायुयान को जाता है। ते के वे क्या है तो ते वायुयाने वे वायुयान है। ते के गच्छता है वे कहाँ जाते हैं तो ते वायुयाने गच्छते मतलब वे वायुयान जाते हैं। तानी कानी वे क्या है तो तानी पुष्पाणी वे फूल हैं। तानी कानी विक्षन्ति वे कहाँ खिलते हैं तो तानी पुष्पाणी विक्षन्ति मतलब वे फूल खिलते हैं। वे कौन खिलते हैं तो वे फूल खिलते हैं। अब आते हैं अभ्यासः अभ्यास प्रश्न पर। प्रश्न नंबर एक उचितम मिल्यत मतलब उचित मिलान करना। सबसे पहले आ का वाचन करेंगे फिर वाक का। साहा एषा के कानी ते एतत् किम ता एतौ खादन्ति भ्रमति लिखतः उपविशति गच्छति चलन्ति पतन्ति हसतः उत्तिष्ठति। तो अब सहा गच्छति वह जाता है एषः उपविशति मतलब यह बैठती है तो के साथ आपका जाएगा लिखता कानी अब कानी के साथ आपका जाएगा पतंती कौन गिरते हैं तो पत्ते गिरते हैं ते हंसता है ये दोनों हंसते हैं। एतद मतलब यह है भ्रमती मतलब यह घूमता है पंखे के लिए आया है किम अर्थात इसका वाक्य बनेगा यहां से किम उत्तिष्ठति क्या वो बैठते हैं। अब आ जाएगा तहा के साथ आपका आ जाएगा खादंती वे खाते हैं। एतौ हम यहाँ पर एतौ की जगह जैसे एतानी करते हैं तो एतानी के साथ हमारा आ जाएगा चलंती। आप प्रश्न नंबर दो उचितम मेल्यत मतलब उचित मिलान करो। आ बा का हम पहले उच्चारण करेंगे आ का करते हैं एषः किम कानी एते एतद् सा एता ते के एतौ बा व्यजनम बालकः महिला गायकः याने नरः हस्तौ नेत्रे पत्राणि और गृहम। तो एषः की जोड़ी हम मिलाएंगे बालकः यह बालक किम व्यजनम क्या व्यजन पंखा है तो कानी के साथ आपका आ जाएगा पत्राणी कितने पत्ते एते है एते के साथ आपका आ जाएगा गायिका एतद एतद के साथ आपका आएगा ग्रहम सहा चा का सहा सा का आ जाएगा महिला एता एता का आपका आ जाएगा गायिका जाते तो नेत्रे के नरः यही एतौ एतौ का आपका आ जाएगा हस्तौ यहाँ पे महिला जो ऐसा महिला निकल गया तो ऐसा
की जगह आपका यहाँ पे बताया था का, तो इस प्रकार से आपको बाली कहा आ जाएगा। अब है प्रश्न नंबर 3, पठित्व वाक्यानि रचयत, पढ़ करके वाक्य की रचना करो यथा, जैसे तत् पुस्तकम् अस्ति, वह पुस्तक है। मूल शब्द एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, तत् एतद् किम्, पुस्तक, यान, पठ, लिख। अब हम वाक्य निर्माण करेंगे, वाक्यों की रचना। तत् पुस्तकम् पठति, वह पुस्तक पढ़ता है। एतद् यानम्, यह यान है। और किम लिखती, क्या लिखता है, ऐसे ही ते पुस्तके पठता, वे पुस्तक पढ़ते हैं, या ते के पुस्तके पठता, इस प्रकार से भी हम बना सकते हैं। एते याने लिखता, नहीं तो बनेंगे ते पुस्तके पठता, ऐसे एते के याने एते लिखता, तानी एतानी कानी पुस्तकानी यानानी पठंती लिखंती, तो तानी पुस्तकानी पठंती, एतानी लिखंती, कानी यानानी, इस प्रकार से आपके वाक्य रचना हो जाएगी। अब है प्रश्न नंबर 4, वाक्यानि रति, सह शिक्षिका गच्छति, वह शिक्षिका जाती है। तो सह बालिका लिखती, वह बालिका लिखती है, ईशा बालिका लिखता है, यह बालिका लिखती है। कहा फलम, पतति, क्या फल गिरता है। कहा ऐसा शिक्षिका गच्छति, वह शिक्षिका जाती है। ऐसा शिक्षिका लिखती है, शिक्षिका लिखती है। का लेखनी अस्ति, क्या लेखनी है। एतद् फलम, नहीं, एतद् नृत्यति, या एतद् बालिका नृत्यति। किम पतिति, क्या गिरता है, ऐसे ही हम सारे वाक्य से बना सकते हैं। वाक्यानि रचयत, वाक्य की रचना करो। ते यथा, ते बालका गच्छन्ति, वे बालक जाते हैं। तो ते महिला लिखन्ति, एते महिला पठन्ति, के बालिका लिखन्ति, तहा पत्राणि संती, एताहा पत्राणि पतन्ति, कहा घट्य गच्छन्ति, कह तानि पत्राणि पतन्ति, एतानि महिला सन्ति, कानि पत्राणि पतन्ति।